ਰੈਨਾ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। बीएमसी ने कंगना के मुंबई दफ्तर के नजायज उसारी के मामले के नोटिस लिया। केंद्र के वालों कंगना रनौत को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा से भी शिवसेना ने सवाल चुके हैं। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस से ड्रग्स से कार्रवाई न करने के इल्जाम लाए थे। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कंगना के बयान को मुंबई पुलिस का अपमान दसदिया। शिवसेना के वालों मुंबई आने पर कंगना को थप्पड़ मारन धमकियां भी दी गई। विवाद खासा पक्षा से जिस तो बाद केंद्र के वालों कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी, जिसका बकायदा कंगना रनौत के वालों धन्यवाद भी अमित शाह होम मिनिस्टर का किया गया। हुण कंगना रनौत वापस मुंबई जाएगी, कल चंडीगढ़ तो फ्लाइट लेगी। लेकिन उनको पूरा रोक दिया मैम। कंगना मैम, मैम इतनी तस्वीर तुम दिखा रहे हैं। मनाली तो कंगना रवाना हुई है, उसको वाई प्लस सुरक्षा मिली है। तो बी एम सी ने जो उसका ऑफिस है मुंबई से, तो उसने नोटिस चिपका दिता है। कहा जा रहा है कि नजायज उसारी की गई। इस तो पहले मामला काफ़ी पख्या से, शिवसेना को लेके कंगना रनौत के वालों एक कंट्रोवर्शियल बयान दिता गया से, जिस तो बाद कंगना रनौत शिवसेना के निशाने पर आ गई थी। शिवसेना लीडर तो सांसद संजय राउत लगातार कंगना रनौत के निशाने साध रहे थे। उस तो बाद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने धमकियां मुंबई आने दी गई सी, जिस तो बाद कंगना रनौत ने एक वड्डा सवाल खड़ा किया। इस पूरे मामले तो बाद केंद्र सरकार के वालों भाजपा के वालों कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी है जी दी गई सी। हुण कंगना रनौत मनाली तो वापस मुंबई ले जा रही है, कल चंडीगढ़ तो मुंबई की फ्लाइट लेगी कंगना रनौत। ये तीन तस्वीर अस तुम दिखा रहे हैं। इस तो अलावा एक होर भी पेज है जो सामने आ रहा है कि बी एम सी के वालों उसके घर के बाहर नोटिस, उसके ऑफिस के बाहर नोटिस चिपका दिता गया। मामला नजायज उसारी का भाव ताना बाणा लगातार उलझता नजर आ रहा है। यह तीन तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं। जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए, उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। कुछ दिन पहले हमारे कंगना रनौत जी के बहुत ही करीबी दोस्त अध्ययन सुमन ने ऐसा आरोप किया था कि कंगना रनौत ब्लैक मैजिक करती है। वो बेड के नीचे काली पुतलियां रखती है, लींबू मिर्ची रखती है, और साथ ही में मैं अगर ड्रग ना लूँ तो मुझे ज़बरदस्ती करती थी, मुझसे झगड़ा करती थी और खुद भी ड्रग का सेवन करती थी। अगर अध्ययन सुमन गलत बोल रहा है तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर वो सच बोलता है तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ड्रग अगर सुमन अध्ययन को देती थी तो कहाँ से लेके आती थी, कौन से डीलर से लेके आती थी? चाहे उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में या मुंबई पुलिस के बारे में गलत सलत बोला हो, तालिबान की तुलना की हो या पाकिस्तान से कश्मीर की तुलना की हो, मगर अभी उनको वाई प्लस कैटेगरी का अगर सिक्योरिटी मिलती है तो ये सब इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी भी दोहरा देता हूँ कि वो फिल्मों में झांसी की रानी का उन्होंने काम किया, वो खुद झांसी की रानी नहीं है कि उनके स्वागत के लिए हम एयरपोर्ट जाएं।